नमस्कार दर्शकों, यूरोलॉजी जागरूकता सप्ताह एक ऐसा अभियान है जिसमें यूरोलॉजी से संबंधित स्थितियों के बारे में हम लोगों तक जागरूकता फैलाएंगे और इस दौरान हमारी यह कोशिश होगी कि इससे पीड़ित किसी भी व्यक्ति को चुपचाप ना बैठना पड़े, साथ ही वो अपनी परेशानी को लोगों के सामने बता सके या हमारे चिकित्सक के सामने बता सके और इस परेशानी से मुक्त हो जाए। इस अभियान में हम स्वागत करते हैं शहर के जाने माने प्रख्यात यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर चंपई सोरेन जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आप ये जानना चाहेंगे कि ये ओएबी है क्या? ओएबी हम लोग इसको बोलते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। जी, ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होता है कि पेशाब की थैली ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, जिसके वजह से ये जो है उस आदमी को बार बार पेशाब होना, पेशाब लगने से पेशाब रोक नहीं पाना, या बहुत बार ऐसा होता है कि पेशाब तक मतलब पेशाब करने के पहले ही पेशाब रास्ते में गिर जाता है। जी, इसी को आप लोग मेडिकल टर्म में ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं। आपने बताया ओवर एक्टिव ब्लैडर, ये मैं इसका मतलब जाहिर से प्रतीत होता है कि ब्लैडर का ज़्यादा एक्टिव हो जाए। एक्टिव होना बिल्कुल। इसमें जैसे हम लोग नॉर्मली एक साधारण आदमी को दिन भर में 6 से 8 बार पेशाब करने की ज़रूरत पड़ती है। जब कोई मरीज इस रोग से पीड़ित होता है तो उसको इससे ज़्यादा जाना पड़ता है, और सबसे ज़रूरी इसमें कि पेशाब को रोकने की क्षमता घट जाती है, जिसकी वजह से पेशाब करने में उनको काफ़ी परेशानी होती है। जी बिल्कुल। इसके कारण क्या हो सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, ये इनके कोई कारण हो सकते हैं, जिसमें कि अगर कोई डायबिटिक से पीड़ित है तो ऐसे आदमी में ये समस्या ज़्यादा होती है। उसके अलावा कोई नस की प्रॉब्लम है, या कोई पेशाब के में इन्फेक्शन है, या पेशाब के थैली में ट्यूमर है, इसके अलावा बहुत सारा कारण है, लेकिन ये मुख्य कारण है जिसके चलते ये आपको ओवरएक्टिव ब्लैडर की समस्या होती है। जी, आमतौर पर अगर हम बात करें तो अपने दर्शकों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि आखिर ये कितना सामान्यता पाया जाता है, यानी कि क्या फ्रीक्वेंटली किसी को भी हो सकता है या एक एज ग्रुप के बाद होता है इसके कुछ ऐसे लक्षण? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बेसिकली ये बढ़ते उम्र के साथ देखा गया है, और ये दोनों ही पुरुष और स्त्रियों में बराबर पाया जा सकता है, बट अगर देखा जाए तो ये पुरुष की तुलना में महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे ये एज बढ़ेगा और ये ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या जो है धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती जाती है। महिलाओं में ज़्यादा होने के क्या कारण? देखिए, उनके कारण ये है, जैसे कि ये आप लोग जानते होंगे महिलाओं में पेशाब की रास्ता जो है थोड़ा सी छोटी होती है, और पेशाब उनको जो है टेंडेंसी रहता है महिलाओं में कि बहुत अननेसेसरी पेशाब को रोकते हैं। इसके चलते क्या होता है, पेशाब के थैली के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जी, वो चिड़चिड़ापन हो जाता है, जैसे कम उम्र में वो जो है पेशाब को रोकते हैं तो उसका प्रभाव एक उम्र के बाद दिखने लगता है, जिसके चलते पेशाब के थैली में चिड़चिड़ापन आने लगता है, और उसका जो है सिम्टम एक 40 की उम्र के बाद या 50 की उम्र के बाद धीरे धीरे आने लगता है। यानी ये प्रवृत्ति लोगों में बचपन से ही होती है? बिल्कुल बिल्कुल पाती है, बट ये जो है बहुत लोग इसको नजरअंदाज करते हैं या इसको एक पार्ट समझ करके इग्नोर करते हैं, बट जैसे जैसे ये समस्या ज़्यादा होता है तो वो जो है डॉक्टर का सलाह लेते हैं, तब उनको पता चलता है कि ये बीमारी मेरे व्यक्ति को काफ़ी दिन से है, काफ़ी बेहस नजर होती। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा और अपने दर्शकों के लिए, कि जो ओएबी के कारण है तो क्या इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ती है? बिल्कुल, ये ऐसा समस्या या बीमारी है आपको जो है आपके डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करता है। जी, जैसे आप अगर आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा तो आप बाहर जाना नहीं पसंद करेंगे, कोई थमसा नहीं जाना नहीं पसंद करेंगे, बस में जर्नी करना नहीं पसंद करेंगे, तो बहुत हद तक ये आपके जीवन शैली को इफेक्ट करता है, जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए अक्सर पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब इस बीमारी की वजह से हम कहीं जा नहीं पाते हैं, कोई फिर फैमिली बक्सा में जा नहीं पाते हैं, तो बहुत जो है ये प्रभावित करता है, खासकर महिलाओं में। यानी एक तरह से गया तो सोसाइटी से पूरा काट देता है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी तरह से अपने आप को जो है तो कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है कहीं भी जा करके, जो है जहाँ कोई नया जगह जाएंगे तो ऑब्वियसली कि आपको हर जगह हर समय आपको बाथरूम की सुविधा तो नहीं मिलेगी, जैसे घर में रहती है, क्योंकि लोग इस चीज को लेकर के अभी जो है परेशान रहते हैं। इससे प्रति क्या रहता है, अवेयरनेस की कमी है? हाँ बिल्कुल। देखिए, जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम पूछते कब से है, तो बोले डॉक्टर साहब तो काफ़ी दिन से है, हम बोले क्यों नहीं आते? नहीं, हम लोग को लगता था कि सर ये उम्र की वजह से हो रहा है, तो अभी ज़्यादा हो गया है तो
आपने आपसे मिलने के लिए या आपसे इलाज करने के लिए जे बिल्कुल ये इसलिए ये आदमियों में जागरूक जब होंगे तो बहुत शुरू से ही अगर इलाज करेंगे तो उसका समस्या जो है आगे एडवांस नहीं होगा। जैसे से आप लेट से अगर बीमारी को इलाज करेंगे या पकड़ेंगे तो ऑब्वियसली किसी ट्रीटमेंट में दिक्कत हो सकती है, अवेयरनेस की बिल्कुल कमी है। डॉक्टर साहब आमतौर पर अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है इस तरह की परेशानी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है या शहरी क्षेत्र के लोग भी ऐसे ही पीड़ित हैं? नहीं ऐसे कोई अलग से हम लोग पास डाटा तो नहीं है, तो चूंकि डाटा नहीं अगर आपके पास पेशेंट्स की मैं आंकड़ों की ना हो तो आपके पास जो पेशेंट आते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी परेशानी ज़्यादा देखने को मिलती है या शहरी क्षेत्रों में? नहीं ये तो चूंकि ये चूँकि एज रिलेटेड बीमारी है तो ये शहरी या ग्रामीण से कोई मतलब नहीं है। जो उम्र का है तो ऑब्वियसली कि ग्रामीण से प्रभावित होंगे और शहर के, बट ये रिलेटिवली अगर देखा जाए ठीक तो वो कुछ ग्रामीण की तुलना में थोड़ा बहुत शहर में ज़्यादा दिखा जाता है। उसका कुछ ना कुछ जो है जीवन शैली या रहन सहन से प्रभावित होता है, इसके वजह से शहरों में रहने वाले व्यक्तियों में या ज़्यादा देखा जाता है ज़्यादा देखा ये। अच्छा डॉक्टर साहब OAV के मुख्य तौर से क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं? देखिए जैसे आपको शुरुआत में बताया सो कारण कई कारण हो सकते हैं, मेल में अलग हो सकते हैं, फीमेल में अलग हो सकते हैं, खान पान से लेकर के बहुत सारे कारण है, लेकिन मुख्यतः देखा गया है कि जैसे किसी को शुगर है ऑब्वियसली कि शुगर में आप जानते हैं हम लोग उसको गौमूत्र भी बोलते हैं, पेशाब ही ज़्यादा बनता है, तो पेशाब ज़्यादा बनने की वजह से थैली में चिड़चिड़ापन आ जाता है, यानी कि जैसे पेशाब को रोक सकने की क्षमता जो नॉर्मल आदमियों में होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार जाना पड़ता है और पेशाब को रोक सकने की क्षमता यह कम होने लगती है। फीमेल जैसे कॉमन है जैसे आपको शुरू ही बताया कि पेशाब के रास्ते छोटे होने की वजह से उनको बहुत देर तक रोक सकने में परेशानी होती है, प्लस मैंने बच्चे होने की वजह से जो हम लोग का पेशाब का थैली को रोकने वाला जिसको हम लोग इंस्पेंटर बोलते हैं वो कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, इसकी वजह से बहुत बार जाते जाते पेशाब जो है लीक करने लगता है, ये एक समस्या जो है ज़्यादा है। अगर हम आपके हिसाब से बात करें तो इसके लिए किस तरह से ट्रीटमेंट हमारे यहाँ चाहिए? देखिए अगर ट्रीटमेंट का सवाल है तो ये ट्रीटमेंट डिपेंड करता है इतना ज़्यादा वो पेशेंट को ये है सिम्टम बोधर कर रहा है। शुरुआत में हम लोग जो है नॉन क्रिटिकल थेरेपी जिसको बोलते हैं कि जीवन शैली में बदलाव से लेकर के जैसे सारे क्षेत्रों में क्या है कि हम लोग फ्रीज का पानी व्यवहार करते हैं या AC में ज़्यादा रहते हैं, ये सब चीज़ें अगर हम धीरे धीरे शुरुआत में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, पेशेंट बोलता है कि पानी पीने के तुरंत ही बाद ही लग जाता है, तो हम लोग उनको शुरुआत में बोलते हैं कि आप पानी का मात्रा जो है कम पीजिए, मतलब एक बार भी ज़्यादातर नहीं पीना है, कम पीजिए, बार बार पीजिए और नॉर्मल टेम्परेचर पर। बहुत बार पेशेंट बोलता है कि हम ठंडा पानी पीने से जल्दी लग जाता है, तो उस तरह जैसे जैसे मरीज बोलता है उसके हिसाब से हम लोग शुरुआत में चाहते हैं कि बिना दवाई से ही या उसके खान पान के तरीके बदल करके जो है सब हो सकता है तो करते हैं, और उसके बावजूद भी अगर उसको मरीज को आराम नहीं होता है तब हम लोग दवाई या अन्य चिकित्सा की दवा बढ़ते हैं। आपने बताया कि खान पान के तरीकों को भी बदला जाता है, तो क्या ऐसे भी कोई खान पान में चीज़ें हैं जिन्हें हमें अगर रेगुलर हैबिट में हम समझ गए तो इस तरह की परेशानी होने से हम बच सकते हैं? नहीं जैसे जो मेनली इनमें जो है दो चीज़ मुख्यतः देखा गया है, बहुत गर्म या बहुत ठंडा। जी बहुत गर्म में जैसे चाय कॉफी अगर बहुत ज़्यादा कोई इस्तेमाल करता है, दिन में 8-10 कप का खाता है, वो जो है पेशाब की थैली में के अगर गुजरते हुए उसका बिहेवियर पे चेंज करता है। चाय पीने वाले को ज़्यादा हो सकता है, कॉफ़ी पीने वाले हो सकता है, या फिर जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडा पानी को व्यवहार करना, आइसक्रीम ज़्यादा करता है, वैसे आदमी ऑटोमेटिकली ये चीज़ होने का संभावना ज़्यादा होता है। इसलिए खान पान बहुत इंपॉर्टेंट जो है कारण में से है उस बीमारी के लक्षण को बढ़ाने में, तो शुरुआत में हम लोग यही करते हैं कि मरीज का खान पान के तरीके को बदलते हैं और बहुत पेशेंट उससे से ही काफ़ी हद तक अपने लक्षण से मुक्त हो जाता है या उससे कम से कम कमी जरूर आती है। यानी आमतौर पर देखा जाए तो हमें ना ही ज़्यादा गर्म खाना खाना चाहिए ना ही ज़्यादा। बिल्कुल यही सामान्य टेम्परेचर को सामान्य टेम्परेचर लेना चाहिए, कभी भी जो है तुरंत फ्रिज से निकालना पे, खासकर ऐसे व्यक्ति में नॉर्मल आदमी के जरूर नहीं है, लेकिन जिनको भी कोई भी लक्षण इस ओवर एक्टिव ब्लैडर से रिलेटेड अगर है तो उनको ये चीज़ हम लोग सलाह देते हैं कि आप कृपया नॉर्मल टेम्परेचर में का ही चीज़ खाएं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल हम ये करना चाहेंगे कि क्या इस तरह के रोगों के लिए कोई बिहेवियरल थेरेपी दे सकते हैं? ये बिहेवियरल थेरेपी में जैसे होता है कि
हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पेशाब रोक सकने के या जाते जाते पेशाब जो निकल जाता है उसके लिए एक तो है कि आपको एक तरह का एक्सरसाइज होता है जी, उसको बोलते हैं कीगल एक्सरसाइज। अच्छा, उसमें क्या करते हैं हम लोग कि पेशाब की थैली और पेशाब के रास्ते में एक संतुलन लाने के लिए एक तरह का एक्सरसाइज होता है, जिसमें हम लोग पेशाब के रोकने वाले मांसपेशी को इसमें ताकत लाने का कोशिश करते हैं। तो इसमें एक बहुत सरल भाषा में हम लोग जो है मरीज को बताते हैं एक्सरसाइज, और वो रेगुलर करते रहने से वो धीरे धीरे उनके सिम्टम में काफ़ी सुधार हो जाता है। इससे इसके अलावा और जीवन शैली में जैसे कि आप कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनका वज़न है तो वज़न घटाने के लिए हम लोग बोलते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करने के बोलते हैं, और जो है मॉर्निंग वॉक किसी न किसी तरह से जो है उसके फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा करके वज़न को घटा करके ये जो है आपके जो पेशाब के थैली में पड़ने वाले प्रेशर को कम करते हैं। सर, अगर एक सवाल ये भी मन में आता है कि हमारे जनरल लाइफ स्टाइल में ऐसा क्या हमें रहना चाहिए ताकि इस बीमारी से हम बच सकें, क्योंकि कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो क्यों ना इस बीमारी को क्योर करने से पहले वैसे कुछ प्रिकॉशन ले ताकि हम या हमारे जो भी समाज के लोग हैं किसी को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, जीवन शैली देखिए आजकल के जो भी मॉडर्न लाइफ स्टाइल में जीवन शैली बहुत ही किसी भी बीमारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसका इम्पोर्टेंस है। जैसे कि खासकर आपका खान पान, जैसे अगर कोई अल्कोहल लेता है कोई भी आपके इस सिम्टम को बढ़ाएगा, तो अगर अल्कोहल लेते हैं आपको अल्कोहल कम करना होगा, स्मोकिंग करते हैं उसको बंद करना पड़ेगा, आप ओवर वेट हैं तो ओवर वेट आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और डायबिटिक्स से पीड़ित हैं डायबिटिक शुगर आपको कंट्रोल करके रखना होगा। इससे क्या होगा अल्टीमेटली जो इफेक्ट पड़ता है पूरे बॉडी में आपका ब्लडर में आपके हेल्थ में वो जो है इस के लक्षण को काफ़ी हद तक जो है कम करता है। यहाँ तक इसका मैंने नाइट बहुत बार क्या देखा जाता है कि रात में भी कोई कई मरीज को इतना जोर से लगता है कि उठते ही जैसे ही बिस्तर से निकलता है बिस्तर में ही हो जाते हैं, बहुत बार जाते जाते ही हो जाता है जी। ये लाइफ स्टाइल तो हम कहना चाहेंगे कि मैंने किसी भी बीमारी के लिए खासकर इसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताया कि आपका खाने पीने का तरीका, खासकर ये जो अल्कोहल और स्मोकिंग है ये तो किसी भी डिजीज़ के लिए भी है और खासकर इस बीमारी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है, इसको आपको बंद करना पड़े। आपने अल्कोहल स्मोकिंग का नाम लिया, लेकिन आजकल अगर हम बात करें तो बदलते दुनिया में अगर देखेंगे तो यूथ के लिए तो ये अट्रैक्शन का कारण बन जाता है, और खासकर अगर हम यूथ को देखें तो वो अल्कोहल स्मोकिंग से पीछे कहाँ हटते हैं। तो क्या एक चीज़ सर जानना चाहेंगे कि वैसे ही होते जो किसी भी तरह का एडिक्शन करते हैं तो क्या उन्हें भी इस तरह की बीमारी होने के चांसेस हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है आजकल खासकर ये ड्रिंक्स वगैरह हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है या बहुत जो भी आजकल बाजार में अवेलेबल हैं हम लोग सो कॉल्ड तो ड्रिंक्स के नाम से, वो किसी न किसी तरह से आपके शरीर के एक एक अंग को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल, आपका पेट से लेकर के पेशाब से लेकर के किडनी से लेकर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, बट अगले आने वाले समय में काफ़ी इसका जो है साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए ये तो बहुत ही जरूरी चीज़ है जो कि आपको इससे परहेज करना है, और आगे वाले पीढ़ियों को भी हम लोग चाहेंगे किस तरह का चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और सबसे बड़ा क्या चाहिए, स्ट्रेसफुल लाइफ, स्ट्रेसफुल लाइफ भी जो है बहुत हद तक इस बीमारी को प्रभावित करता है। आजकल किसी भी क्षेत्र में जो है एक लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल हो गया है, उदाहरण से लेकर के कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अपने लाइफ में स्ट्रेस नहीं झेलता हो। ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है इस वॉलेटिव ब्लैडर का होने में मदद का साबित हो रहा है, स्ट्रेस करने का योगदान। हाँ, स्ट्रेस काफ़ी हद तक इसे उसके लिए स्ट्रेस के लिए क्या है, योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, आपका खान पान का तरीका हो गया, टाइमली जो है सोना सफिशेंट सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट की बात करें ओटीपी, तो ट्रीटमेंट के बारे में कहा जाता है कि सर्जरी थी इसका ट्रीटमेंट करता है, ध्यान में आपकी क्या राय? नहीं, जैसे सर्जरी बहुत ही रेयर केसेस में जरूरत पड़ती है, मेनली आजकल बहुत एडवांस मेडिसिन वगैरह आ गए हैं जिससे कि बहुत 90% मोर देन 90% मरीज जो है लक्षण मुक्त हो जाता है, पूरी तरह से अपना नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। मेडिसिन के साथ साथ जो बाकी जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है जिसको बोलते हैं, वो खान पान में बदलाव, ये मोस्टली ये दोनों से कंट्रोल रहता है। यहाँ तक सर्जरी का सवाल है कि भाई मैंने
एक तो कारगर सर्जरी अवेलेबल नहीं है, और है भी तो उसका रिकरेंस हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज़ नर्व डिचलते हो रहा है, कहीं नर्व डिफेक्ट है आपको, तो उसमें न्यूरो मॉड्यूलेशन वगैरह होता है, या पेशाब के थैली में हम लोग जो है बोटन टॉक्सिन होता है जिसमें हम लोग डालते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि परमानेंट क्योर नहीं है, ठीक समय के बाद आपको जो है वो करते रहना पड़ेगा या लेते रहना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सर्जरी जरूरत ना पड़े, और इसलिए हम लोग पहले से ही उसको जो है सब स्तर से ट्रीटमेंट करते हैं कि सर्जरी बहुत ही रेयर और बहुत चीज़ सक्सेस नहीं है तो हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, बहुत ही रेयर सेंटर में इंडिया में होता है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि ब्लैडर डायरी के बारे में भी काफ़ी सुना है, ब्लैडर डायरी का क्या मतलब? जी, ब्लैडर डायरी में बेसिकली हम जो मरीज होते हैं उनको डायरी देते हैं, इसमें समझाते हैं कि आपने जो दिन का जो पानी पीना या कोई भी लिक्विड चीज़ कितना ले रहे हैं और कितना टोटल ले रहे हैं और कितना आपका यूरिन कितना बार हुआ, इससे ये मोटा मोटी ये कैलकुलेट किया जाता है। कहीं वो मरीज ज़्यादा पीने की वजह से तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बहुत बार जो है पता नहीं चलता है हम कितना दिन भर पानी लिए, कितना दूध लिए, कितना चाय लिए, तो मोटा मोटी बॉडी डायरी से उनके दैनिक जीवन में जो लिक्विड का मात्रा है वो कितना हो रहा है और कितना उनको यूरिन हो रहा है। बहुत बार हम लोग इससे देखें कि मरीज पता नहीं चलता है कि हमने इतना लीटर ले लिया, जब बॉडी डायरी लेके आता है उनने तो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें शुरुआत में ही हम लोग बोलते हैं नहीं आपका तो चूंकि ये सिम्टम ये पानी या दूध लेने की वजह से हो रहा है, आप इसको कम कर दें। बहुत बार पेशेंट उसका 50% सिम्टम रिडक्शन उसकी वजह से कम हो जाता है। अच्छा, तो बॉडी डायरी जो है एक ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मरीज के एक्चुअल लक्षण को उसका मैंने कल पता करने के लिए कि सही में कितना पानी ले रहे हैं या कितना इनको पेशाब हो रहा है, यानी उस रिकॉर्ड के तहत आप उस पेशेंट का पूरा हिस्ट्री पता। बिल्कुल बिल्कुल, उसके क्या कारण हो सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही उनके होने का मुख्य वजह हो, ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा अगर कोई पानी पी रहा है तो ऑटोमेटिकली पेशाब भी ज़्यादा हो जाता हो। बॉडी डायरी शुरुआत में लगता है कभी भी जो है तो इसको हम लोग कराते हैं, शुरू में ही ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले बॉडी डायरी सबसे मनाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, काफ़ी देर बातचीत हुई, अब आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं या जो भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? सबके लिए संदेश रहेगा कि किसी तरह का कोई भी बीमारी, खासकर जो ये पेशाब की बीमारी है, उसको ना छुपाएं, तुरंत आपके नज़दीकी फिजिशियन डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट से मिलें और उसका सही जो भी सलाह होगा इलाज होगा उससे लें, ताकि ये बीमारी को आपके जीवन में ज़्यादा इफेक्ट होने से पहले ही उसको सही तरीके से इलाज किया जा सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो भी दर्शक हमारे इससे खास बातचीत को सुने होंगे वो ज़रूर अपने लाइफ स्टाइल में इसे लागू करेंगे और अपने जीवन को पोई बी के लक्षण से बचाएंगे, साथ ही पूरे जीवन स्वस्थ रहने का प्रण लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।